सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। सो मैं करीब 2 मंथ बाद वीडियो बना रहा हूँ। सो मैं कहीं बिजी था गाइस, आई एम सॉरी। और मुझे बहुत लोगों का मैसेज आया था कि आप वीडियो अपडेट नहीं कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, आपका वीडियो आ नहीं रहा है। सो गाइस, मैंने उनसे रिप्लाई भी किया था कि मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आऊंगा। सो हमारा एक पुराना वीडियो था जिसपे मैंने बताया था 2023 में कि रिसेशंस कब तक रहेंगे। मैं उसी पे एक अपडेट दे रहा हूँ आपको कि ये हाफ जनवरी बीत चुका है। और गाइस, ये मेरा साल का पहला वीडियो है 2024 का। सो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और मैं इस पे अपडेट दूंगा कि मैंने अपने तरफ से क्या चेक किया मार्केट में, क्या एनालिसिस किया है। जैसे 20 या 22 पोजीशंस में मैंने अप्लाई किया था और 20-22 पोजीशंस में मुझे दो ही रिस्पॉन्स आए थे। फर्स्ट एक कॉग्निजेंट है और दूसरा एसेंचर है। बाकी किसी भी कंपनी से मुझे रिस्पॉन्स नहीं आए थे। और हाँ, प्रोफाइल दिख रहे हैं, सॉरी, जॉब्स दिख रहे हैं, लिंक्डइन पे हो या नौकरी पे हो, सारा जगह दिख रहे हैं, बट आप अप्लाई कर रहे तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा वहां पे। तो इट्स मीन कि मार्केट अभी भी जिस तरह से चाहिए था उस तरह खुला नहीं है। बहुत बहुत सारी कंपनियां हैं जो शो कर रही है कि हमारे यहाँ काम अच्छे चल रहे हैं, हम हायरिंग कर रहे हैं, बट एक तरह से फेक अपॉर्चुनिटीज भी हैं वहां पे। और हाँ, जैसे कि मैं दो पार्ट में बांट देता हूँ, जैसे बड़े कंपनियों के छोटे कंपनियां हैं, और काफी सारे कॉल्स मुझे आ रहे थे छोटी कंपनियों से। रियली उनके पास अपॉर्चुनिटीज है, बट वही है कि गाइस, अभी के मौसम में, अभी के समय में अगर आप स्विच कर भी रहे हो ना, तो हाइक ज्यादा नहीं मिल रहा है। और खैर, मैं बस चेक कर रहा था कि मार्केट ओपन है या नहीं, ये सच में पोजीशंस चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या फिर केवल मार्केट में दिखावा के लिए पोजीशंस भी हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में पोजीशंस चल रहे हैं थोड़े बहुत, बट उतने फ्रिक्वेंटली नहीं चल रहे हैं जैसे होना चाहिए था। और दूसरा अपडेट क्या है कि ये इस 2 महीने में काफी सारे मुझे कॉल आए थे जो परेशान है बंदे कि भाई एचआर का कॉल आ गया, आप छोड़ना है, बेंच पे हैं, या फिर कैसे करें, स्ट्रगल करें। देखो, अभी के फिलहाल में जितने भी सारी कंपनियां हैं, सब 1.5 महीने 2 महीने ही बेंच के पीरियड रख रहे हैं। 1.5 महीने 2 महीने बाद ही आपको वो कॉल आना चालू हो जाएगा कि आप देख लो या फिर रिजाइन डाल दो। तो इस चीज में मैंने आपको बता रखा है कि क्या करना है, आपको कैसे डील करना है गाइस। इसके लिए अगर आप कॉल करते हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, आप डायरेक्टली मना कर दो कि एचआर से मैं नहीं दूंगा, वो 3 महीने का कंपनसेशन आपको दे देंगे और आपको रेस्टिकेट कर देंगे। मतलब ये नहीं कि आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा या कुछ भी ऐसा लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल सर्टिफिकेट मिलते हैं वो सब आपको मिलेंगे। खैर, और 2024 के मार्केट की बात करते हैं कि अभी भी मुझे तो नहीं लग रहे हैं कि ये 50% से ज्यादा खुल पाएगा मार्केट, 50% से कम ही मार्केट होगा। और इसमें अगर कोई बंदा सोच रहा है कि मैं हाइक ले लूं जॉब छोड़ के, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज सारे आपको अगर इंक्रीज कर भी रहे हैं, मैंने करीब दो ही जन से बात हो पाया था कि कितने परसेंट इंक्रीज देंगे, तो ये 20 से 30% इंक्रीमेंट करेंगे। ये नहीं कि 100% इंक्रीमेंट मांग लिया, आप दे दिया, ऐसा नहीं है। मार्केट अभी भी ऐसा नहीं है। हाँ, बट एक गेस कर सकते हैं कि मार्च अप्रैल तक मार्केट 50% खुले। बट जहां तक मुझे न्यूज मिले हैं, जैसे कि मैं दोस्तों से बात करता रहता हूँ, यूएस में भी वैसे ही फ्रिक्वेंटली जॉब नहीं चल रहे हैं, बहुत मारा मारी है यूएस में भी। सो सारा अगर आईटी का अंदाजा लेते तो हम लोग यूएस से लेते हैं कि यूएस का मार्केट अच्छा है तो हमारा इंडियन का मार्केट अच्छा होगा। बट जितना यूएस के मार्केट में रिसेशन था, उतना इंडियन मार्केट में रिसेशन नहीं था, राइट? सो अभी क्या है कि अभी भी जितने भी क्लाइंट हैं यूएस में हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज में हैं, सारे मतलब बजट कम पे आ रहे हैं। मतलब अगर 20 बंदे हैं तो 15 बंदों को रखा जा रहा है, 5 बंदों को निकाला जा रहा है, दस दिया कि काम मैनेज करना है कैसे भी। तो ये बोल सकते हैं कि मार्च अप्रैल के बाद मार्केट ठीक हो, बट 100% लेके मत चलना कि ये 100% ठीक ही हो जाएगा। 50% चलेंगे या 40-30% रहेंगे मार्केट। और ये मुझे अभी भी अंदाजा लग गया क्योंकि इतने सारे पोजीशन अप्लाई करने के बाद दो कॉल आ रहे हैं, मतलब कि मार्केट अभी भी ठीक नहीं है और आगे 3-4 महीने लग जाएंगे ठीक होने में। 100% नहीं, 50% ठीक होने में लग जाएंगे। सो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा ऑटोमेटिक। अगर आपके पास कुछ भी अपडेट हो, जैसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा सभी लोगों से कि अगर आपके कंपनी में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप प्लीज मेरे कमेंट में एक रेफर डाल दें, ताकि जो बंदे अगर सर्च कर रहे हैं उनको जॉब मिल जाए। क्योंकि मुझे बहुत सारे रेफरेंस के लिए कॉल आते हैं, यार मैं सबका हेल्प कर पाऊंगा बट अपॉर्चुनिटी तो आए। मैं सब करीब 80 से ज्यादा रिज्यूमे मैंने कलेक्ट करके रखा है हर एक पोजीशंस के लिए, बट पोजीशंस आ नहीं रहे हैं।
अगर आएगा डेफिनेटली मैं अप्लाई कर दूंगा, मेरे तरफ से एकदम श्योर रहो। बट गाइस एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कमेंट करना कि आपके कंपनी में अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है, ताकि जो भी बंदे मेरे कमेंट देख रहे हैं ना उनका भला हो जाए, और या मुझे पता चलता है तो मैं 10 जन को जरूर रेफर करूंगा इस चीज को लेकर। सो गाइस वीडियो में अभी यही था, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं कैसे सर्च किया जाए, और कहाँ कहाँ पोजिशंस वाकई में खुल रहे हैं और कहाँ कहाँ फेक पोजीशंस आ रहे हैं। मैं इसमें रिसर्च कर रहा हूँ, कई दोस्तों से बात कर रहा हूँ, एक दो इन दोस्त एचआर भी हैं, वो सब बता रही हैं कि ये एक फेक है, बस ये शो पर्पस है, मार्केट में दिखाना है। बहुत सारे ऐसे पोजीशंस हैं गाइस। सो आप बने रहें, और जल्दी मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। टाटा, बाय बाय गाइस।